मोहमाया में लिप्त हैं। तुम्हें तो भगवान जी की प्राप्ति हो चुकी है, माता की है, भोलेनाथ की, हनुमान जी की, ठीक है, शक्तियाँ, दूत या तरंग, जो भी कुछ भी मान लो, वो तुम्हें प्राप्ति हो चुकी, तो तुम्हें अपने आप ही ज्ञान आएगा कि अच्छा नहीं है। अब कोई जानवर तुम्हें काट भी लेगा ना, तो कुत्ते ने काट ले, तुम्हारा मन करेगा मत मार दिया, कोई बात नहीं, काट नहीं, ये ऐसे भाव आएंगे, ये भगवान की प्राप्ति होती तब ऐसा होता है। तुम्हारा जाप अच्छा चल रहा है, तुम्हारे भाई आए थे पिछली बार, कहाँ है, अच्छा इधर आओ, आ गया, क्या जाप कर रहे हो? ये बीज मंत्र और सूखा मर्दन पाठ। अच्छा, क्या दिखा तुम्हें इस दौरान पिछले महीने जब तक? मुझे कुछ दिखा नहीं, एक बार बस हमें ऐसा लगा कि बाबा नाराज हैं, सपने में उनके दूत महाराज मार रहे थे। क्या खाते पीते कुछ खाने तो कुछ प्याज व्याज खा ली या फिर मन में भाव है? प्याज बस खा लेते हैं, वो भी अब सैटरडे से मन ट्यूजडे सैटरडे नहीं खा। आप यहाँ आए हो ना, यहाँ अर्जी लगी है, अर्जी लगने के बाद कम से कम 11 दिन परहेज करना होगा आपको। अब आप नहीं परहेज करोगे और लहसुन प्याज खा लिया अगर 11 दिनों में, तो वो तो नाराज दिखाई देगा, ठीक है, नाराज ही खत्म कर देगा। तुम्हारा नाम बताओ? प्रसन्नजीत सिंह। संजीत? प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत सिंह, भाई इतनी प्रसन्नता और वो कैसे नाराज हो रहे हैं? प्रसन्नजीत कृपा करके आपको लिखते रहो। क्या उल्टा भी सोचते हो क्या हनुमान जी के बारे में? कभी कभी उल्टे ख्याल भी आते हैं? सच बताओ, सच ना। क्या पूजा कर रहा हूँ मैं, क्या जाप कर रहा हूँ, इसे तो मैं करता नहीं, वहाँ चला जाता। अरे मेरे पहले शुरुआत में होता था, अब नहीं होता, 10 रुपये का इधर से होकर चले जाओ ले लो। प्रसन्न जीत पात्र में डाल देना, बाबा आप अच्छे से देखेंगे, गुस्सा नहीं होगा। लहसुन प्याज मंगलवार से नेवा नहीं खाना, कम से कम यहाँ जाके 11 दिन का कम से कम परेशान। लहसुन प्याज का भी रहेगा उसमें, ठीक है बाबा, कृपा आपके नाराज नहीं रहेंगे, काम में बरकत होगी। काम अच्छा पैसा काम एक बंदे को देख लेते हैं, थोड़ा सा मलिनता खत्म कर देते हैं। नंबर क्या आपका? तीनों साथ में सवारी थोड़ी चाहते हो तुम? चाहते हैं लेकिन महसूस करने कम से कम 5 बार ना हो ना, तो ये मलिनता खत्म हो जाएगी और जाप करते रहो। उसको दिखती है कि औरत या आदमी तुम्हें दिखता है घर में? मम्मी को दिखता है ना, मम्मी आई है। अच्छा तुम इधर आओ, जो एक फैमिली के है तो पर वो साथ ही आ जाएगा ना। तो एक नंबर पर 4 लोग आ रहे हैं तो ये नहीं नंबर पे नहीं, अलग लेना। अच्छा अच्छा, अगर ऐसे एक 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 के साथ 4 है वो, तो 4 उनके नाम इसमें है तो लिस्ट में नाम पढ़कर उनके साथ बैठो। जैसे
कर रहे हो अभी? कुछ दिख रहा है? अच्छा है, भूत प्रेत हम बताओ? भूत प्रेत को नहीं दिखा कब से? पहले डर जाती थी उनसे। अभी नहीं डर रहे हो? तो इतनी बालाजी की इतनी कृपा हुई, वो पूरी भी होगी। अभी यही चीज चालू रखो, ठीक है? नाम बताओ। पूनम। डरना बिल्कुल ही, जैसे बंद हो गया पूरा ही बंद रहेगा और आराम आएगा शरीर में। कहाँ डर रहते हैं मुझे बता रहे हैं? डर हो ये जो चीज बैठी है ना, ये तुमसे नहीं कह रहा, ये तुम्हें पीछे तो खींच लेती है थोड़ा सा, ये खींच लेती है, समझ रहे हो? ये जब खत्म हो जाएगी तो दृष्टि भी खुल जाएगी और सारी शक्तियां तुम्हें दिखेंगी, लेकिन सवारी नहीं आएगी। सवारी के लिए तो वो मना कर रहे हैं। सवारी करोगे क्या? फिर बंद कराओगे, दिखना शुरू हो जाएगा। फिर तो अब तुमने ही बोल रखा, तो वो तो कह रहे हैं सवारी नहीं आएगी, सवारी तो मना। जब महादेव से कह दिया तुमने तो बालाजी को आएंगे लेके, महादेव से तब वो सवारी नहीं आएगी आपको, ऐसे कैसे होगा? बस महादेव से ये कहा था कि मेरे को आत्मज्ञान करा दो। आत्मज्ञान वो मिल रहा है तुम्हें? तुम बात करो और 10 लोग बात करें, तुम्हारी बात अलग दिखाई देगी। ये आत्मज्ञान अपने आप में, ठीक है? आत्मज्ञान ये नहीं होता कोई किताब पकड़ा देंगे भोलेनाथ आके तुम्हें और वो तुम पढ़ लो, जाते हैं अपने आप ही ऑटोमेटिक आएगा कि ये सही है ये गलत है, उसका बोध होता जाएगा, ठीक है? घूम इलायची और लौंग दिए थे मैंने तुम्हें? नहीं। ये लौंग इलायची ले जाओ, उसमें चाय बना के इनको पिलानी है, सब पी सकते हो वैसे, एक लौंग एक इलायची रोज, ठीक है? और मिलाते हैं ना, खत्म हो जाए तो और मिलाते हैं। मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें पावर वापिस चल गई। समाधि वो समाधि की स्थिति है, समाधि सोया था, फिर उधर मैं तो सो गया था, वो समाधि होती है। अच्छा है, अभी जाप करते रहो और, लेकिन अभी आप दीपक की लॉक को देख के करना, आपको समाधि की स्थिति में नहीं जाना, ये जाप करते रहना। एक बोलेगा कमर से उतारा होगा इनका जाप। अजय जी बहन अभी साथ हो? अच्छा, अरे इसमें लिस्ट में है ना, भाई जल्दी जल्दी पूछ लो सर। मैं पहली बार आई हूँ, शीलन यादव नाम है मेरा।